हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, ये है पेठा। तो पेठे को हमने तीन चार टुकड़े कर लिए हैं मोटे मोटे। इनको अभी मैं छील लूंगी, पील मतलब। और जैसे कि मैंने कुछ पील किए हैं और कुछ मैंने कस लिए, अभी मैं इन सबको मैं कस लूंगी। आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी आज हांडी में राजमे। हांडी मैंने चढ़ा दी है, राजमे मैंने 6-7 घंटे पहले भिगो के रखे हुए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एक नई रेसिपी के साथ आपका वेलकम करती हूँ। तो हमने दोनों हांडी गैस पे रख दी और सिम चला दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। दोनों जब तक सूखती हैं और इनमें फिर इसमें ऑयल डालेंगे, इसमें घी डालेंगे, इसमें हम हलवा बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसके अंदर देसी घी डालेंगे और हम बनाएंगे पेठे का हलवा। हमारा मस्टर्ड ऑयल हल्का हल्का गर्म होने लगा है और इधर हमारा घी भी गर्म हो गया है। इसमें हमने इलायची जो थोड़ी बारीक करी है वो डालेंगे। और इलायची हमारी हल्की हल्की भुन गई है, अब इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमने कसा हुआ कद्दू, जिसे आप कद्दू बोलते हैं, हम लोग पेठा बोलते हैं, वो डालेंगे। और इसको 5 मिनट भूनेंगे घी में। उसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे देसी, और ऊपर से मेवे डाल के इसको सुखा लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आप चाहो तो इसकी बर्फी भी बना सकते हो, चाहो तो इसकी खीर भी बना सकते हो। सुखा दोगे तो बर्फी बन जाएगी। हलवा तो हम बना ही रहे हैं, तो इसको मैं 2-3 चीजें बनाऊंगी अभी इसकी, ना अलग अलग वेराइटी। और इसको घुमा, इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मेवे 5 से 7 मिनट बाद ऊपर से मेवे डाल दूंगी मैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और मैं इसको ढक देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए, ना ये ज्यादा टाइम नहीं लगाती बनने में ना। अब हमने राजमे की तैयारी कर ली। मोटे मोटे प्याज काट दिए हैं, हरी मिर्ची है, अदरक है और 2 टमाटर मोटे मोटे काट दिए। इसको और काट देते, थोड़ा मोटा ज्यादा हो गया। राजमे में ग्रेवी अच्छी होती है, इसलिए हमने 2 टमाटर और डाल दिए। अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इनमें हम ये सारे डाल देते हैं। हल्का सा इसको भूनेंगे, क्योंकि मैं सारा मसाला मिक्सी में पीसूंगी, तो मेरे को बिल्कुल बारीक मसाला ही पसंद है ना, बच्चे थोड़े नखरे लगाते हैं। ये हल्का सा भुनेगा, जब तक हल्के हल्के भुन गए तो अभी हम सारे टमाटर डाल देंगे इसमें और 5 मिनट भूनेंगे इसको। जब तक ये भूनते हैं तो इसी में हमने हल्दी और नमक डालना है। हरी मिर्च हम डाल चुके हैं और अदरक हम डाल चुके हैं। ज्यादा मसाले हम लोग नहीं डालेंगे हम, क्योंकि सिंपल सात्विक बना रहे हैं। उसके बाद हमारे भीगे हुए जो राजमा थे वो डाल दिए हमने इसमें। इसमें हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, थोड़ा मेवे डालने बाकी है। इधर हमारे चावल है जो उबलने के लिए अभी रखे हैं। तो मेरी रेसिपी यही होती है, तो देखते हैं खा के सब लोग कैसा टेस्ट बताते हैं। बाय।